जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा, आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आइए हम वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 145 वचन 14 से। भजन संहिता अध्याय 145 वचन 14 से। आइए देखते हैं, आंखों को बंद करके संपूर्ण ध्यान से उस परमेश्वर के वचन को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी है और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है, हमें समझाते हुए परमेश्वर की स्तुति की बातें हमसे कह रहा है और उसकी स्तुति कर भी रहा है, हमें समझा भी रहा है और परमेश्वर की स्तुति भी कर रहा है और करते हुए कह रहा है कि यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है। कहता है हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, हर गिरे हुए लोगों को वह क्या करता है, संभालता है। कि जितने लोग पाप में गिरे हुए, जितने लोग विपत्ति में, परेशानी में, नाना प्रकार की बीमारियों में, दुखों में, समस्याओं में जितने गिरे हुए लोग हैं, वचन कहती है कि वह परमेश्वर क्या करता है, ऐसे गिरे हुए लोगों को संभालता है, ऐसे गिरे हुए लोगों को संभालता है, वह सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। जितने झुके हुए हैं, ऐसे झुके हुए लोगों को वह सीधा खड़ा करता है। जितने अपने दुखों से, विपत्तियों के बोझ से जो झुके हुए हैं, जिनका बोझ उन्हें सहन नहीं होता, जिस बोझ के भारीपन के कारण वह झुके हुए हैं, अपने जीवन में निराशा में है, दुख में, विपत्ति में पड़े हुए हैं, वचन कहती है कि ऐसे लोग जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते और उसके समीप आते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को सहारा देता और ऐसे लोगों को खड़ा करता है। आमेन, हालेलुया। आगे वचन कह रही है कि सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है। अब इन वचनों में परमेश्वर का जो दास दाऊद है वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, सबकी आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। हे परमेश्वर, सबकी आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू हर एक को भोजन समय समय पर देता रहता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई जीव जंतु, चाहे जानवर हो। हे परमेश्वर, तू कितना महान और धन्य है कि हर एक, चाहे वह मनुष्य हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, सबकी आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं। वचन कहती है इसलिए लगी रहती है कि तू उनको आहार समय समय पर देता रहता है। हे परमेश्वर, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। हे परमेश्वर, तू अपनी मुट्ठी को खोलता है और मुट्ठी खोलकर क्या करता है, हर प्राणी को, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, चाहे जानवर हो, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले। वचन कहती है तू हर एक प्राणियों को आहार से तृप्त करता है, यानी उन्हें भोजन से, उनके भोजन से तृप्त करता है।
यहोवा अपनी सब गति में धर्मी है। परमेश्वर अपने सारे कामों में धर्मी है, उसके एक काम भी दोष के लायक नहीं है, वो सारे कामों में धर्मी है। इसलिए वचन कहती है और अपने सब कामों में करुणामय है, वो अपने हर एक कामों के ऊपर अपनी करुणा अपनी दया को बरसाता है। हर कामों में वह परमेश्वर अपनी करुणा अपनी दया को बरसाता है। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन बता रही है, करुणा और दया को बरसाता है। लेकिन वचन कह रही है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, कहता है कि जितने लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। अब परमेश्वर का दास हमें और आपसे कह रहा है कि हे भाइयों, कहता है कि हे भाइयों, जितने लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जितने लोग सच्चाई से पुकारते हैं, जितने लोग परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारते हैं, जितने लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, कहता है उन सबों के वह निकट होता है। जितने पुकारने वाले लोग हैं, परमेश्वर उन सबके निकट होता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा आप उस परमेश्वर को जो स्वर्ग में विराजमान है, उसे हमेशा अपने जीवन में आप उसे आवाज देते रहो, पुकारते रहो, उस परमेश्वर को पुकारते रहो, क्योंकि वह हमेशा गिरते हुओं को संभालता, झुके हुओं को सीधा करता है। उसकी आंखें सबकी ओर लगी रहती है। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में निराश हो, उदासी में हो, गिरे हुए हो, झुके हुए हो, तो परमेश्वर को पुकारो, क्योंकि परमेश्वर अपने पुकारने वालों के समीप रहता है। यदि आप भी चाहते हो कि वह परमेश्वर आपके समीप रहे, आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपको संभाले, आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपको खड़ा करे, आप भी चाहते हो कि परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी रहे, आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपको भोजन वस्तु से तृप्त करे, तो वचन कहती है तुम उसके निकट रहो, उस परमेश्वर को पुकारते रहो, अवश्य है कि वह परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा और आपके जीवन की सारी जरूरत को पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि परमेश्वर आज पूरे दिन आपको सुरक्षित अपनी आशीष में भर के रखेगा। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास भरिए। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। महान सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ाकर प्रभु इन सबके शरीर को स्पर्श कर कि इनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ विपत्तियां वह बिल्कुल बाहर निकले। ओ दुष्ट आत्मा सैतानी आत्मा का प्रभाव इनके जीवन से खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने आशा विश्वास से तेरे आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, आज हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अद्भुत चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उनके घर पे आशीष, परिवार पे, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग प्रार्थना, जितनी बहने प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके पति के जीवन में तू आशीष भर दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से फलवंत होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर के जीवन में महिमा प्रकट कर कि उनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह ना होने पाए। ओ परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर कि परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में कोई दुख विपत्ति या दुर्घटनाएं ना होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसा वचन में लिखा गया है, विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सब विश्वास में बने हुए जैसे तूने वचन में कहा, मार्था से कहा, हे मार्था यदि विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर संपूर्ण विश्वास से, हे परमेश्वर इनके, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण विश्वास से तेरी आशीष को ग्रहण कर रहे प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर, इनके शरीर में कोई दुख बीमारियां हो तो दूर हो जाए, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई परेशानी हो तो अब भी जाने पाए। ओ परमेश्वर, जो दर्द से पीड़ित है अब भी प्रभु तेरा स्पर्श हो जाए,
दर्द से पीड़ित लोगों परमेश्वर के आशीष को रिसीव करो, क्योंकि आपके शरीर से दर्द जा रहा है, आपके शरीर से भी दर्द जा रहा है। तो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने बुखार से जकड़े हुए लोग हैं उनके शरीर से बुखार अभी जाने पाए, वो बुखार से जकड़े हुए लोगों आपके शरीर को प्रभु का स्पर्श हो रहा है, वो बुखार आपके शरीर से जा रहा है, आशीष को रिसीव करो यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में चाहे जो कोई दुख बीमारियां हो आज यीशु के नाम से निकल जाए, इनके मन में शांति, हे परमेश्वर इनके जीवन में शांति, हे परमेश्वर इनके घर में शांति सदैव बना रहे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनमें पढ़ाई लिखाई करने वाले जितने लोग हैं, हे परमेश्वर उनके जीवन में तू आशीष दे, उन्हें ज्ञान और बुद्धि की आशीष दे, क्योंकि आपने कहा जिसको बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाने उलाना दिए उदारता से देता है और उसे दी भी जाएगी। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, यदि उन्हें बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर आज हे परमेश्वर अपनी बुद्धि देकर उन्हें आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि में आगे निकले और पढ़ाई लिखाई में मन लगे, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए। ओ परमेश्वर जितनी तैयारियां कर रहे लोग उनके जीवन में अपनी आशीष भर दे, ताकि हे परमेश्वर उनका जीवन तेरे अनमोल आशीषों से फलवंत होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जिनका घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके घर को अपने आशीष से भर दे, आज उनके परिवार को अपने आशीष से भर दे, हे परमेश्वर उनके जीवन को अपने आशीष से भर दे, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाऊंगा। तो प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर हर प्रकार के दुख विपत्तियों से बचा मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख विपत्तियां वह दूर होने पाए। वो महान परमेश्वर जितने आर्थिक से जकड़े हुए लोग हैं आज यीशु मसीह के नाम में स्पर्श होने पाए, यीशु के नाम में स्पर्श हो जाए और उनके जीवन की आर्थिक तंगियां दूर हो जाए, वो परमेश्वर इनके कमाई धमाई में बरकत होना चालू हो जाए। तो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तेरे वचन में हे परमेश्वर हर एक को हे परमेश्वर आशीषित किया, हम विनती करते कि परमेश्वर जितने इस आशीष को ग्रहण कर रहे हैं आज हर एक के जीवन में मिराकल होने जा रहा है, हर एक के जीवन में हीलिंग होने जा रही है। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर द्वार को अपनी स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे, ओ पवित्र आत्मा हरि को सुने परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, स्वर की आशीषों के द्वारा इन्हें भर दे मेरे राजा, ताकि इनके जीवन में जितने दुख विपत्तियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर इनके जीवन में चाहे जो मनोकामना है आज यीशु के नाम में पूरा होने पाए। प्रभु तेरा साथ हमारा, हे परमेश्वर तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ इन सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।